गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में, जिसमें आपको हम पिछले दिन बताए थे क्लास थ्री में कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। कंप्यूटर जो है तीन स्टेप में काम करता है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, जिसमें हम लोग इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़े थे, जिससे हम लोग इनपुट देते हैं कंप्यूटर में, मतलब कोई भी इंस्ट्रक्शन इन्फॉर्मेशन यदि डालना होता है तो उसके लिए हम लोग इनपुट देते हैं। फिर आता है भाग प्रोसेसिंग का, जिसमें जो भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दिया जाता है उसके अनुसार से कंप्यूटर काम करता है। और इसको हम लोग तीन पार्ट में बांटे थे प्रोसेसिंग को, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। तो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट जिसमें जो है जोड़ घटाव गुणा भाग का काम कंप्यूटर करता है, कंट्रोल यूनिट में कंट्रोलिंग का काम करता है, मेमोरी यूनिट में स्टोर करने का, सेव करने का, रिजल्ट को सेव करने का काम करता है। तो ये सब का डिटेल हम आपको बताए थे। आज हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की ओर, जिसमें हम लोग स्टोरेज डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। स्टोरेज डिवाइस, तो स्टोरेज डिवाइस क्या है? द प्रोसेस ऑफ सेविंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन परमानेंटली इज नोन एज स्टोरेज। मतलब जो प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग इंस्ट्रक्शन या डेटा को परमानेंटली सेव कर सकें, मतलब कोई भी इंस्ट्रक्शन उसमें हम डाल सकें और वो लंबे समय तक याद रखे और जब चाहे हम उसको रिट्रीव कर सकें, तो वो उसको क्या कहते हैं हम लोग? स्टोरेज कहते हैं। स्टोरेज इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर। स्टोरेज जो है सबसे मेन फीचर है किसका? कंप्यूटर का सबसे मेन फीचर उसका स्टोरेज ही है, क्योंकि हम इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं। इट इज रिक्वायर्ड सो दैट इफ यू नीड सम वर्क इन फ्यूचर यू कैन गेट इट क्विकली विदाउट टाइपिंग इट। मतलब जब ये इसलिए जरूरी है कि जब हमें वही इंस्ट्रक्शन वही इंफॉर्मेशन जो हमने पहले किया था उसको उसकी जरूरत फिर से यदि पड़े तो हम उसको उसको जल्दी से क्विकली ला सके बिना कोई इंस्ट्रक्शन दिए हुए। मतलब कि आप उस रिजल्ट को सेव करके रखेंगे तभी ना उसका बार बार यूज कर पाएंगे। जैसे आप जो है अपना बायोडाटा कंप्यूटर में बनाते हैं, बहुत सारा टाइप करते हैं, लिखते हैं, और उसको यदि सेव नहीं करके रखेंगे तो आपको हर एक बार कंप्यूटर में अपना बायोडाटा कहने का मतलब अपने बारे में, माई सेल्फ, जैसे आप माई सेल्फ लिखते हैं कंप्यूटर में, तो आपको माई सेल्फ को सेव करके रखना होगा। तो वो क्या होगा कि अगला बार आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको क्विकली ला सकते हैं, है ना? तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि सेव करना बहुत ही जरूरी है, है ना? इट इज रिक्वायर्ड सो दैट इफ यू नीड सम वर्क इन फ्यूचर यू कैन गेट क्विकली विदाउट टाइपिंग इट अगेन एंड अगेन, और उसको बार बार लाया जा सकता है जब हम उसको सेव करके रख दें। वंस यू स्टोर योर वर्क, जब आप अपना वर्क को स्टोर कर लेंगे, सेव कर लेंगे, इट विल नेवर गेट लॉस्ट, ये कभी भी खत्म नहीं होगा, कभी भी भूलेगा नहीं। जैसे हम लोग भूल जाते हैं ना, लेकिन कंप्यूटर कभी नहीं भूलता है। यू कैन रिव्यू योर वर्क ऑन लेटर ऑन। मतलब आप अपने वर्क को, जो आपने टाइप किया है, उस वर्क को बाद में कभी भी रिव्यू कर सकते हैं, उसको सुंदर से सजा सकते हैं। जैसे आपने माई सेल्फ में लिख दिया लेकिन आप चाहते हो उसको अरेंज करना, उसको कलर करना, तो ये सब बाद में भी कर सकते हैं, है ना? लेकिन जब आप पहले टाइप करेंगे, जब आप पहले टाइप करेंगे और उसको सेव करके रखेंगे तभी ये काम होगा, ऐसे काम नहीं होगा। फ्लॉपी डिस्क, अब आइए हम लोग पढ़ते हैं फ्लॉपी डिस्क के बारे में। द फ्लॉपी डिस्क इज द ओल्ड स्टोरेज मीडियम। मतलब ये पहले यूज होता था, अब यूज नहीं होता है। ये प्लास्टिक का डिस्क होता था जिसका डेटा स्टोरेज कैपेसिटी 1.44 MB होता है, है ना? ये 3.5 इंच का एक डिस्क होता है जिसको काम करने के लिए
एक ड्राइव की जरूरत होती थी जिसको फ्लॉपी डिस्क ड्राइव कहते हैं। ये एक मैग्नेटिक डिस्क है। इट इज नॉट यूज्ड बिकॉज इट कैपेसिटी टू स्टोर डेटा इज वेरी लेस। इसका यूज अब नहीं होता है क्योंकि इसका डेटा स्टोरेज जो कैपेसिटी है वो बहुत ही कम है। मतलब इसमें बहुत ही कम डेटा स्टोर किया जाता है। आजकल जो स्टोरेज डिवाइस यूज हो रहा है वो पेन ड्राइव है ना। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि पहले जो है ये डिस्क यूज होता था, अब यूज नहीं होता। इट इज नॉट यूज बिकॉज इट कैपेसिटी टू स्टोर डेटा इज वेरी लेस, है ना। द फ्लॉपी डिस्क यूज ए मैग्नेटिक मीडिया। इसमें जो है मैग्नेटिक मीडिया के यूज किया जाता था डेटा को स्टोर करने के लिए। डेटा जो स्टोर होता है कंप्यूटर में वो किस फॉर्म में होता है? बाइनरी फॉर्म में, मतलब जीरो और वन के फॉर्म में, है ना, जीरो और वन के फॉर्म में। द साइज ऑफ कॉमनली यूज फ्लॉपी डिस्क आर 5.25 इंच। ये दो साइज में आता है, 5.25 एंड 3.5 इंच, मतलब 3.5 इंच, दो साइज में आता है। देयर स्टोरेज कैपेसिटी आर 1.2 MB। इसका स्टोरेज कैपेसिटी क्या होता था? बड़े वाले का ही स्टोरेज कैपेसिटी कम होता था। 5.25 इंच वाले का 1.2 MB स्टोरेज कैपेसिटी और 3.5 इंच वाले का स्टोरेज कैपेसिटी 1.44 MB। क्लियर है? अब इसका यूज भी नहीं हो रहा है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। इसका यूज हम लोग कर भी रहे हैं और इसका अपग्रेडेड वर्जन जो है DVD, डिजिटल वर्सल टाइल डिस्क, है ना, उसको यूज करते हैं। तो CD के पहले बारे में जान लेते हैं। CD के बारे में, SCD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क कैन स्टोर मच मोर डेटा। इसमें ज्यादा डेटा स्टोर हो जाता है फ्लॉपी डिस्क की तुलना में। CDs are circular plastic disc and have a diameter of 12 cm. A CD can store up to 700 MB of data. मतलब CD में हम लोग जो है, ये जो CD है compact disc, इसमें हम लोग 700 MB data को store कर सकते हैं, 700 MB, है ना, बहुत ही बड़ा storage capacity हो गया। और इसका जो डायमीटर है वो 12 cm का, 4.5 इंच का होता है। इसको भी प्ले करने के लिए एक ड्राइव की जरूरत होती है जिसको CD ड्राइव कहा जाता है, है ना। और इसमें जो है CD में डालने के लिए, कोई भी इंस्ट्रक्शन डालने के लिए CD राइटर की जरूरत होती है, जो CD में क्या कर सके, राइट कर सके, लिख सके, है ना। उसके बाद जो है Which is equivalent to the capacity of 500 floppy disk, यानी कि इस एक CD में करीब करीब 500 floppy disk में जितना data आएगा वो अकेले इस disk में आ जाएगा, है ना। CDs are currently the most popular way through which computer companies distribute application and games. इसके through कंपनी जो है क्या गेम्स वगैरह देती है हम लोग को, सॉफ्टवेयर वगैरह देती है, है ना। तो एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन और गेम्स डिस्ट्रीब्यूट करने का, सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूट करने का सबसे बेहतरीन माध्यम आपका क्या है, मीडियम क्या है, CD, जिसमें हम लोग गेम्स और एप्लीकेशन को लेते हैं। टू रीड इंफॉर्मेशन फ्रॉम CD, इट इज प्लेस्ड इनसाइड द CD ड्राइव। इसको जो है इस CD ड्राइव में क्या डाला हुआ है, क्या है, उसको लेने के लिए हमको इसको CD ड्राइव में डालना होगा। विच इज फिट इनसाइड द सिस्टम यूनिट, जो सिस्टम यूनिट में यानी CPU में आपका लगा हुआ रहता है। CPU में आपका ये जो CD ड्राइव है वो लगा हुआ रहता है, उसी में जब इस डिस्क को डालिएगा जिसका नाम होता है CD ड्राइव, उसके थ्रू आप इसको रीड कर सकते हैं। मतलब इसमें क्या क्या डाला हुआ है वो आप माई कंप्यूटर में जा करके देख सकते हैं। अगला जो है आपका हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या है भाई? हार्ड डिस्क यही है, मेटल का कवर क्या हुआ है, एक बहुत ही ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी का यह डिस्क होता है,
जिसको काम करने के लिए कोई भी अलग से ड्राइव की जरूरत नहीं होती है, ये खुद में डिस्क और ड्राइव दोनों होता है। मतलब इसमें ड्राइव ऑलरेडी अटैच होता है, आपको अलग से ड्राइव की जरूरत नहीं होती है और ये सीपीयू के अंदर फिक्स किया रहता है। देखिए पढ़ते हैं, हार्ड डिस्क इज ए वेरी हाई स्टोरेज कैपेसिटी मेमोरी सिस्टम विच इज फिक्स्ड इनसाइड द सीपीयू, सीपीयू के अंदर आता है। इट हैज ए हायर एक्सेस स्पीड एंड लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब बहुत ही तेजी गति से काम करने वाला ये डिस्क होता है और बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ डेटा, अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को ये स्टोर कर सकता है, लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, साथ ही साथ उसको एक्सेस भी कर सकता है। मतलब जल्दी से उसको आपको दिखा भी सकता है कि इसमें क्या क्या चीज डाला हुआ है। ए हार्ड डिस्क कंसिस्ट ऑफ प्लेटर्स विथ ए मैग्नेटिक सरफेस, मतलब इसमें बहुत सारा प्लेट लगा हुआ रहता है मैग्नेटिक सरफेस का, फिक्स्ड और वन एबव द अदर थ्रू ए सिंपल थ्रू ए स्पिंडल टू मेक अप डिस्क पैक, और जिसमें बहुत सारा डिस्क को जो है एक एक के ऊपर एक रखा हुआ रहता है और उसको जोड़ा हुआ रहता है स्पिंडल के थ्रू, जिसको डिस्क पैक कहा जाता है। ठीक है, लाइक द फ्लॉपी डिस्क द सरफेस ऑफ दिस डिस्क आर ऑल्सो मैग्नेटाइज, मतलब फ्लॉपी डिस्क की तरह है इसका भी सरफेस क्या रहता है, मैग्नेटाइज रहता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू रहता है। दिस पैक ऑफ डिस्क नॉट रिमूव्ड फ्रॉम इट्स ड्राइव, इस डिस्क को आप ड्राइव से अलग नहीं कर सकते। दीज डेज हार्ड डिस्क विथ कैपेसिटी लाइक 160 GB, 320 GB, 500 GB एंड एवव आर अवेलेबल इन द मार्केट। ये सब कैपेसिटी का जो डिस्क है, ये सब जो है आपका अवेलेबल है मार्केट में, क्या है अवेलेबल है ये सब। ठीक है, ये सब कैपेसिटी का डिस्क जो है आसानी से मार्केट में अवेलेबल है। क्लियर है? अब जो है हम लोग क्या करेंगे, सम हार्ड डिस्क आर अटैच टू द कंप्यूटर फ्रॉम आउटसाइड, कुछ हार्ड डिस्क जो है कंप्यूटर के बाहर भी रहता है, दीज आर कॉल्ड एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, इसको एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कहा जाता है। ये हार्ड डिस्क ही मेन मेमोरी है जिसमें कंप्यूटर का हर एक चीज स्टोर किया जाता है, कंप्यूटर कैसे प्रोसेस करेगा और कंप्यूटर जो प्रोसेस कर रहा है जिस मेमोरी के अनुसार से, वो सारा चीज इसी डिस्क में डाला हुआ रहता है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं डीवीडी की तरफ। डीवीडी क्या है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ए डीवीडी लाइक ऑल्सो ए सी डी, ये सी डी की तरह ही दिखता है बट इट कैन स्टोर मोर डेटा देन ए सी डी, मतलब इसमें जो है सी डी से ज्यादा डेटा स्टोर किया जा सकता है। ए डीवीडी कैन स्टोर 4.7 GB, ये जो है डीवीडी जो है आपका कितना डेटा स्टोर कर सकता है, 4.7 GB तक के डेटा को स्टोर कर सकता है ना। और ये जो है उससे भी ज्यादा कैपेसिटी का आता है, 17.1 GB तक का डेटा स्टोर कर सकता है, विच मेक्स इट वेरी यूजफुल स्टोरेज मीडियम, वेरी यूजफुल स्टोरेज मीडियम आजकल ये यूज हो रहा है। ऑल्सो ए कंपेयर्ड टू ए सी डी ए डीवीडी प्रोवाइडर्स बेटर ग्राफिक्स डिस्प्ले एंड साउंड, मतलब सी डी की अपेक्षा जो है डीवीडी में ज्यादा हाई क्वालिटी का ग्राफिक्स और साउंड क्वालिटी और वीडियोस क्वालिटी रहता है ना, क्योंकि इसमें स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होता है तो हाई क्वालिटी का वीडियो ऑडियो इसमें डाला जा सकता है। यही है आपका डीवीडी, जिसका डेटा स्टोरेज कैपेसिटी जो है 4.7 GB से 17.1 GB तक वेरी करता है और देखने में आपको सीडी की तरह कॉम्पैक्ट डिस्क की तरह ही लगेगा। और इसको भी काम करने के लिए एक जो है ड्राइव की जरूरत होगी, जिसको डीवीडी ड्राइव कहा जाता है, डीवीडी ड्राइव। फिर है आपका ब्लू रे डिस्क,
ब्लू रे में क्या है, ए ब्लू रे डिस्क लुक्स सिमिलर टू ए सीडी। यह जो है यह भी जो है सीडी और डीवीडी की तरह ही दिखता है ब्लू रे डिस्क, बट कैन कंटेन अप टू 50 GB ऑफ डेटा। मतलब ये जो है लेकिन उससे ज्यादा, उससे भी ज्यादा डेटा को स्टोर कर सकता है, लगभग 50 GB तक का डाटा। टू यूज ब्लू रे डिस्क ए ब्लू रे रीडर इज रिक्वायर्ड। इसको भी काम करने के लिए ब्लू रे रीडर, जैसे डीवीडी रीडर की जरूरत होती है, उसी तरह से यहाँ पर ब्लू रे डिस्क को भी यूज करने के लिए ब्लू रे रीडर की जरूरत होती है। सम लेटेस्ट मॉडल ऑफ लैपटॉप्स है ब्लू रे रीडर। जो लेटेस्ट मॉडल का लैपटॉप होता है अभी है, उसमें ब्लू रे रीडर जो है मौजूद रहता है। और उसमें आप ये नहीं कि जो है ब्लू रे डिस्क में डीवीडी भी चला सकते हैं, सीडी भी चला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सबका साइज सेम होता है, टेक्नोलॉजी लगभग सेम है। और लेकिन हाँ, सीडी राइटर में, सीडी रीडर में आप जो है डीवीडी या ब्लू रे नहीं चला सकते, लेकिन ब्लू रे में आपको सब चल जाएगा, आपका तीनों चल जाएगा, ब्लू रे भी, डीवीडी भी और सीडी भी। डीवीडी में आपको डीवीडी चलेगा और सीडी चलेगा, क्लियर। तो अगला जो है, जो हम लोग आजकल यूज कर रहे हैं, वो आपका है पेन ड्राइव। ए पेन ड्राइव कम्स इन वेरियस स्टोरेज कैपेसिटी, एग्जाम्पल 1 GB, 2 GB, 4 GB, है ना, 16, 16 GB, तो अलग अलग कैपेसिटी में आता है। इट कैन बी यूज टू रीड, राइट, डिलीट और ट्रांसफर डेटा। मतलब इसका यूज जो है डेटा को रीड करने में, राइट करने में, डिलीट करने में, और एक जगह से डेटा को दूसरे जगह ले जाने के लिए भी यूज किया जाता है। आपको बता दें कि ये सब जो है डीवीडी और ये ब्लू रे, इसमें जो है डेटा नॉर्मल डीवीडी वगैरह में या ब्लू रे में, एक बार डेटा राइट हो जाने के बाद उसको इरेज नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन आपका पेन ड्राइव जो है, इसमें डेटा को बार बार रीड और राइट किया जा सकता है। आप जो है उसमें डालिए, फिर डिलीट कर दिए, फिर दूसरा डेटा डालिए, दूसरा इंफॉर्मेशन डालिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। इट इज वाइडली यूज्ड नाउ डेज बिकॉज इट इज इजी टू यूज एंड स्मॉल एनफ टू कैरी। मतलब ये जो इतना बहुत ही ज्यादा यूज हो रहा है आजकल, और ये बहुत ही छोटा होता है, इसलिए इसको कैरी करना, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना भी बहुत ही आसान होता है। टू यूज पेन ड्राइव USB पोर्ट इज नीडेड। मतलब पेन ड्राइव को यूज करने के लिए आपको USB पोर्ट की जरूरत पड़ेगी। जब कंप्यूटर में USB पोर्ट रहेगा, पुराने, बहुत पुराने कंप्यूटर में USB पोर्ट नहीं होता था, उसमें पेन ड्राइव का आविष्कार भी नहीं हुआ था। आजकल जो है पेन ड्राइव ही ज्यादा चलता है ना, और हर एक कंप्यूटर में USB पोर्ट होता ही है। द डिवाइस इज प्लग्ड इनटू द USB पोर्ट ऑफ ए कंप्यूटर, इट प्राइस डिपेंड ऑन स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द पेन ड्राइव। मतलब जितना ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी का आपका पेन ड्राइव रहेगा, उतना ही ज्यादा प्राइस होगा। जितना कम स्टोरेज कैपेसिटी का होगा, उतना ही प्राइस कम होगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है पेन ड्राइव का यूज कर रहे हैं, समझ में आया। तो हम लोग जो है मेमोरी में, आप अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस जो डेटा को स्टोर करता है, तो कौन कौन डिवाइस जो है स्टोर करता है, जैसे फ्लॉपी डिस्क है, कॉम्पैक्ट डिस्क है, आपका हार्ड डिस्क है, आपका जो है डीवीडी है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ब्लू रे, ये सब में हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं। पेन ड्राइव है ना। तो ये सब हम लोग आज पढ़ लिए कि ये सब जो है, जिसमें सब में अलग अलग कैपेसिटी है, सबका अलग अलग स्पीड है, सबका अलग अलग यूज है। किसी को काम करने के लिए ड्राइव की जरूरत होती है, किसी को काम करने के लिए ड्राइव की जरूरत नहीं होती है ना। तो ये सब सारी चीजें हम लोग पढ़ लिए। तो अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास एक्टिविटी, जिसमें हम लोग ये सब क्वेश्चंस वगैरह बनाएंगे, सिंबल वर्ड, फिर रिकॉल करेंगे कुछ कुछ चीजें, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम आपको अगले क्लास में ये सब बताएंगे, तब ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा।